और भारत के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को भी बहरीन का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवार्ड वसूल करने रवा माह बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बाद बहरीन ने मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविने खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज जुल्फी बुखारी ने इस बात की तस्दीक की। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरा बहरीन के दौरान एक खुसूसी तकरीब के दौरान मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस दिया जाएगा। दौरा बहरीन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमीर बहरीन हम्माद बिन ईसा बिन सलमान और अपने हम मनसब खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे में बहरीन के कौमी दिन की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। रवा साल मार्च में बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की तरफ से बहरीन के दौरे की दावत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोजा मुल्की दौरे पर 15 दिसंबर को बहरीन रवाना होंगे, जहाँ से वो स्विट्जरलैंड जाएंगे। वो स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में महाजरीन के बारे में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। स्विट्जरलैंड के बाद वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के आखिरी मरहले में मलेशिया पहुँचेंगे। इससे कबल रवां साल 25 अगस्त को इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी अमीर बहरीन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस का एजाज दिया गया था।